टॉपिक का नाम है ये, बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल मेथड चैप्टर नंबर 1 का है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का, बुक में पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल मेथड कहें या साइंटिफिक मेथड कहें, ये वो मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। बिलफर्ज आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया अपना प्रॉब्लम लेकर कि भाई डॉक्टर साहब या साहेबा मुझे सर में दर्द है, मुझे खांसी हो रही है, नजला है, तो ये जो पेशेंट अपना प्रॉब्लम लेकर आया है आपके पास, आप क्या करेंगे बीइंग अ डॉक्टर? इसको इसकी प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे? या बिलफर्ज आप साइंटिस्ट हैं, आपके पास कोई मैकेनिकल डिवाइस आया कि भाई इसमें कोई खराबी हो गई है, आप इसको ठीक करें या बताएं इसमें मसला क्या है, इसका हल बताएं आप, इसको ठीक करें आप। तो साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड्स होते क्या हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स उन मेथड्स को कहते हैं जिसमें कोई लिविंग थिंग अपना प्रॉब्लम लेकर आए सॉल्व कराने के लिए। इस मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और जितने भी मेथड्स होते हैं, हर एक मेथड के बेटे सेट रूल होते हैं, हर एक मेथड के सेट रूल होते हैं, या आप यूं कह लें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो स्टेप्स हैं आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है डिडक्शन, चौथा है एक्सपेरिमेंट, पांचवा है रिजल्ट, और नंबर 6 है थ्योरी या लॉ। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, पहला ऑब्जर्वेशन है, दूसरा हाइपोथेसिस है, तीसरा डिडक्शन है, चौथा एक्सपेरिमेंट है, पांचवा रिजल्ट है, और नंबर 6 है लॉ या थ्योरी। ये 6 स्टेप्स हैं जिनको किसी भी डॉक्टर या साइंटिस्ट को फॉलो करना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, साइंटिफिक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। अब इनके बारे में बात करनी है। सबसे पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लफ्ज निकला है ऑब्जर्व करने से। ऑब्जर्व मतलब जानना किसी चीज के बारे में। आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे जान सकते हैं? या तो कोई आपको आके बताए कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, यानी कि बाय हियरिंग बाय सीइंग, या तो देखकर आपको पता चले कि भाई हाँ ये मसला है यहाँ। तो ऑब्जर्वेशन दो तरह से हो सकती है। ऑब्जर्वेशन के माने हैं जानना, महसूस करना, पता करना। तो आप किसी चीज के बारे में पता कैसे कर सकते हैं? बाय हियरिंग सुनने से, बाय सीइंग देखने से। टू नो समथिंग किसी चीज के बारे में जानने को कहते हैं बेटे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है यहां से स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। आप पहले किसी प्रॉब्लम को जान लेते हैं और फिर जानने के बाद उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं। इसको कहते हैं डेटा कलेक्शन। जो भी प्रॉब्लम है, पहले आप प्रॉब्लम को जानते हैं, प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसका जो डेटा अवेलेबल होता है, जो उसके बारे में बातें मालूम है, जो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, वो सारी बातों को, सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात समझ में नहीं आई तो बेटे एक बीमारी है मलेरिया, एक बीमारी है मलेरिया, शायद आप में से किसी को हुई भी हो। आप मलेरिया का केस लें, बिलफर्ज मलेरिया जो है ये अर्ली 20th century में बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा था, इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा मर रहे थे। मलेरिया जो है वो एक कॉमन डिजीज थी जिसका इलाज उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुआ था, मतलब इसका इलाज नहीं था 20th century में। तो 1878 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच, उनका नाम था लेवरिन। लेवरिन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेवरिन, LAVERAN, लेवरिन एक साइंटिस्ट थे 1878 में। इन्होंने क्या किया, इनके पास लोग आए अपनी बीमारियों को लेके कि भाई हम ये बीमार पड़ रहे हैं, हमें बुखार है, हमें जिस्म टूटता है, पसीने आते हैं ठंडे, और एकदम बुखार चढ़ता है, एकदम बुखार उतरता है। तो इन्होंने क्या किया, लेवरिन साहब ने ब्लड सैंपल लिया,
मतलब जो मलेरिया के पेशेंट थे इनको मालूम नहीं था उसका कि इनको क्या है, कौन सी बीमारी है। तो बाद में पता चला ना कि मलेरिया होता है, शुरू में नहीं पता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप में देखा। इन्होंने देखा कि जो लोग भी ये कंप्लेन लेकर आ रहे हैं उनके ब्लड में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जानदार ब्लड में मूव करते हुए नजर आए इनको। इन्होंने इन जानदारों का नाम दिया प्लास्मोडियम। इन्होंने इन जानदारों का नाम दिया प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम स्पेलिंग आती है बेटे प्लास्मोडियम की, इन PLASMODIUM, प्लास्मोडियम नाम दिया। तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखो क्या किया, ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेने के बाद माइक्रोस्कोप में देखा, यानी कि ऑब्जर्वेशन करी। तो ये ऑब्जर्वेशन है पहला। दूसरी चीज क्या है, हाइपोथेसिस। दूसरी चीज क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, हाइपोथेसिस एक दफा जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है, डेटा या फैक्ट्स जमा हो जाते हैं, जो पहले से डेटा हो, मालूम हो, जो बातें पहले से पता हो, वो तमाम चीजें आप जमा कर लेते हैं जब, तो फिर अब आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं इंटेलिजेंट गैस को। इंटेलिजेंट गैस मतलब अंदाजा लगाना, तुक्का मारना, या किसी के बारे में कोई बात करना जिसका सबूत ना हो। गैस कर रहे हैं आप, अंदाजा है आपका, इंट्यूजन है आपकी। तो हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट्स, हाइपोथेसिस कही हुई बातें हैं विच डू नॉट हैव एनी फैक्ट, जिसका कोई सबूत नहीं है। दे आर येट टू बी प्रूवन, अभी इसका सबूत तलाशना बाकी है। दे आर जस्ट इंट्यूजन्स और इंटेलिजेंट गैसेस, ये वो कही हुई बातें हैं जिनका सबूत नहीं होता, सबूत तलाशना अभी बाकी होता है। अपने अंदाजे की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे, या जो डेटा जमा किया, जो इंफॉर्मेशन जमा करी, उसकी बेस पे जो बात करते हैं हम, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर तीसरी चीज, जब हाइपोथेसिस, अब यहां पे क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि जो भी मेरे पास ये पेशेंट आ रहे हैं जिनके ब्लड में ये क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसका नाम मैंने प्लास्मोडियम रखा है, इनको एक बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया। यानी कि प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये क्या दे दिया, स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट दिया लेवरिन साहब ने, इसका सबूत नहीं था उनके पास, तो ये जो प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया क्या हो गया, ये एक हाइपोथेसिस हो गया। अब अपनी कही भी बात को प्रूफ करना भी लाजमी है, तो अपनी कही भी बात को प्रूफ कैसे किया, बाय डूइंग डिडक्शन, डिडक्शन के जरिए। डिडक्शन क्या होती है, यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूं। डिडक्शन जो है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए लॉजिकल प्रेडिक्शंस होती हैं। लॉजिकल प्रेडिक्शंस का मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे अल्फाजों में डिडक्शंस जो होती हैं वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस होती हैं हाइपोथेसिस की, कि मैं जो ये बात कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं। भाई मैंने कहा प्लास्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया का, तो ये बात मैंने क्यों कही, इसकी मैं कोई लॉजिक दूंगा, उसको क्या कहेंगे आप, ये डिडक्शन दे रहे हैं आप। इसके अलावा इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, उसके लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाइपोथेसिस को जो ऊपर दिया था कि प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इसको टेस्ट करना है, तो एक डिडक्शन देनी पड़ेगी। डिडक्शन क्या दी, प्लास्मोडियम कॉज है मलेरिया का, तो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी हो रही है, यानी कि मलेरिया हो रहा है, उनके ब्लड में क्या होना चाहिए, शुड हैव प्लास्मोडियम इन द ब्लड। जबकि जो हेल्दी लोग हैं उनके ब्लड में ये नहीं होगा। तो ये जो अब बात कही, इसको क्या कहेंगे आप, डिडक्शन। तो देखो हाइपोथेसिस और डिडक्शन में फर्क है। हाइपोथेसिस बात कह देते हैं गैस की बेस पे, डिडक्शन क्या है, अब जो बात कह दी उसका लॉजिकल जवाब भी देते हैं अपने पास से खुद ही। अब वो लॉजिकल जवाब यहां क्या दिया था, पहले इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दिया था कि प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लास्मोडियम कॉज है मलेरिया का, प्लास्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। डिडक्शन क्या दी कि जो भी लोग हैं इस बीमारी के साथ आ रहे हैं, मलेरिया के साथ जो आ रहे हैं, उनके ब्लड में क्या होगा, प्लास्मोडियम होगा, और जो हेल्दी लोग हैं उनके ब्लड में नहीं होगा। ये क्या दी इन्होंने, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी, इसको कहते हैं डिडक्शन। अब डिडक्शन के बाद
नेक्स्ट चीज जो है बेटे वो एक्सपेरिमेंट है कि भाई अब लॉजिकल जो है एक्सप्लेनेशन भी दे दी अपनी हाइपोथेसिस की, तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद अच्छा नेक्स्ट जो है अब एक्सपेरिमेंट की बारी। नेक्स्ट स्टेप जो है डिडक्शन के बाद बेटे वो अब एक्सपेरिमेंट है, यानी कि प्रैक्टिकल करना। जो जो लोग बीमार थे जिनके अंदर सिम्टम्स अपेयर हुए हुए थे, उनको बुखार था, उल्टियां हो रही थी, डाइजेशन नहीं हो रही थी, स्किन का कलर येलो हो रहा था, स्वेटिंग हो रही थी रात में, जोड़ों में सर में दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने क्या किया, ऐसे सारे लोग को एक जगह किया, जैसे फर्ज करो 100 लोग जमा किए उसने जिनमें ये सिम्टम्स थे, और 100 लोग ऐसे जमा किए जिनमें सिम्टम्स नहीं थे, कुछ नहीं था, वो नॉर्मल थे बिल्कुल। इसने क्या किया, सबका ब्लड लिया और ब्लड टेस्ट किया। जो 100 लोग जिनमें कोई सिम्टम नहीं थे उनके ब्लड में कुछ भी नहीं निकला, लेकिन जो 100 लोग बीमार थे उनके सब के सब ब्लड में क्या मिला, प्लास्मोडियम मिला। तो उसने कहा देखें आप सब बीमार हैं, आप सब के ब्लड में क्या है, प्लास्मोडियम। इसका मतलब है आप सबको क्या हुआ हुआ है, जो मैं बात कह रहा था, आप सबको क्या हुआ हुआ है, मलेरिया हुआ हुआ है। यानी कि इसने ब्लड सैंपल लिया, उसको टेस्ट किया, ये जो प्रैक्टिकल किया इसने, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट विच इज परफॉर्म इन लैब, जो लैब में परफॉर्म किया जाता है। तो ये अब इसने एक्सपेरिमेंट करके अपनी कही भी बात का सबूत हासिल कर लिया कि भाई देखो मैं कह रहा था कि तुम्हें मलेरिया हुआ हुआ है, और देखो तुम्हारे ब्लड में क्या निकल आया, प्लास्मोडियम निकल आया, यानी कि मेरी बात सच साबित हो गई, क्योंकि मैंने कहा था कि मलेरिया जो है वो कौन कॉज करता है, प्लास्मोडियम कॉज करता है, और तुम्हारे ब्लड में प्लास्मोडियम है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट आ गया, इसका रिजल्ट आ गया, तो जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बेस पे जितने मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लास्मोडियम निकला, और जो हेल्दी लोग थे उनके ब्लड में कुछ भी नहीं निकला। तो इस बात का मतलब ये कि जो डिडक्शन दी थी वो फाइनली, जो हाइपोथेसिस के जरिए डिडक्शन दी थी, फाइनली वो बात प्रूव हो गई कि हाँ प्लास्मोडियम ही कॉज होता है किसका, मलेरिया का। इस चीज को रिजल्ट कहते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीज आती है वो रिजल्ट आते हैं। अब जो बात आपने कही थी, यानी कि जो हाइपोथेसिस दिया था, आपकी कही हुई बात के फेवर में भी जा सकता है रिजल्ट, और आपकी कही हुई बात के अगेंस्ट भी जा सकता है रिजल्ट। फर्ज करो यहाँ पे तो क्या हुआ, मेरी कही हुई बात के फेवर में आ गया रिजल्ट, यानी कि जो मैंने कहा वो साबित भी हो गया। नेक्स्ट है थ्योरी और लॉ। थ्योरी और लॉ, अब जो मेरी बात साबित हो गई एक्सपेरिमेंट के बाद, अब मेरी बात को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। मेरी जो कही हुई बात थी वो एक्सपेरिमेंट के बाद साबित हो गई, और मेरे पास और ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ डेटा जमा होना शुरू हो गया और सबूत मुझे मिलना शुरू हो गए। अब जो मेरा हाइपोथेसिस है आफ्टर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर रिजल्ट, मेरी कही हुई बातों को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। तो जो स्टेटमेंट प्रूफ हो जाते हैं बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट और लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, इन स्टेटमेंट्स को कहते हैं बेटे थ्योरी। तो लॉ क्या होता है या प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ और प्रिंसिपल एक ही बात है। बिलफर्स कोई स्टेटमेंट दें, एक्सपेरिमेंट करें, उसका सबूत आ जाए फेवर में, और उसकी बातों को भी लोग मानना शुरू कर दें, ये भी लॉ या प्रिंसिपल कहलाता है। तो फिर फर्क क्या हुआ, ये तो दोनों बातें सेम हो गई। थ्योरी के ऊपर वक्त गुजरने के बाद लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, यानी कि थ्योरी गलत हो सकती है। अपने वक्त में जब दी गई थी वो स्टेटमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वो सही साबित हो गया था, लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च हुई तो वो गलत साबित हो गया, उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किए। तो थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्शन होते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया नहीं मानती थ्योरी को। लेकिन जो लॉ होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, इनके ऊपर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जब भी कभी आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा सही साबित होंगे, और इसकी एक्सेप्टेंस जो है इसको पूरी दुनिया मानती है। तो ये डिफरेंस है किसके दरमियान में, थ्योरी और लॉ के दरमियान में। थ्योरी की एक्सेप्टेंस कम होती है, लॉ की एक्सेप्टेंस यानी कि लोग जो मानते हैं वो ज्यादा मानते हैं लॉ को, थ्योरी को कम मानते हैं। थ्योरी पे ऑब्जेक्शंस होते हैं, लॉ पे ऑब्जेक्शंस नहीं होते। थ्योरी जब दी जाती है तो उस वक्त के हिसाब से वो बात सही होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है तो और चीजें डेवलप हो रही हैं,
तो उस पर ऑब्जेक्शन होने लगते हैं। तो बेटे ये छह स्टेप्स थे मेन, इन छह स्टेप्स को हम बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड कहते हैं।